देखो बहुत सारे विमेन हैं जो आपसे इंस्पायर होंगी वो भी चाहती हैं उनको टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में आपको पता है और हर किसी के पास अपना टैलेंट है लेकिन प्रॉब्लम आती है फैमिली सपोर्ट की हाँ। क्योंकि हम लोग कहें ना कहें मेल सेंट्रिक सोसाइटी है यहाँ पर शायद आदमियों को या मेल को अल्फा मेल को कुछ भी करने की इजाज़त होती है लेकिन फीमेल के लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं और आपके केस में तो यार आपकी आपकी शादी हो गई है मदर इन लो है

पर जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन आई लड़कों के साथ वीडियोस नहीं बनानी है मैं शादीशुदा शादीशुदाऊँ समाज क्या बोलेगा ससुराल क्या बोलेगा गांव में बैठा हुआ किस लड़के के साथ घूम रही हो कोई लड़का तुम्हारे कंधे पर हाथ क्यों रख रहा है ये सारी रिस्ट्रिक्शंस थी रात को आठ बजे घर वापस क्यों नहीं आई तुम खाना कैसे बनेगा किचन में ये भी रिस्ट्रिक्शन थी बट मैंने इनको बैलेंस आउट किया मैं कोई रिवोल्ट सिचुएशन में नहीं की कि नहीं मैं मैं तो करूंगी मैं तो ये वीडियो बनाऊंगी मेरे को अच्छा लगता है मेरा पैशन है मैंने ऐसे काम नहीं किया मैंने उनकी बात समझी कि वो एक डिफरेंट कल्चर से आ रहे डिफरेंट माइंड सेट से आ रहे मुझे उनको समझाना है और समझाना बंदूक रख के नहीं है hmm. अपनी मेहनत दिखा के मैंने इस काम को इतने पैशनेटली किया इतने पैशनेटली किया कि मेरे ससुर जी एक दिन सोफे पे बैठ के बोले कि ये लड़की जितनी मेहनत करती है ना हमारे खानदान में कोई नहीं करता है मैं इसको सपोर्ट करूंगा बहुत बढ़िया उन्होंने मुझे पैसे भी दिए उन्होंने मुझे लोन भी दिया चीजें खरीदने का इंस्पिरेशन भी भी दिया स्क्रिप्ट राइटिंग की पर उस दिन के बाद वहां तक पहुंचना अ स्ट्रगल जितनी भी फीमेल्स अपना टैलेंट बाहर लेके आना चाहती है और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रही है और भाई काम तो आपको बाहर करना है ना तो आपको फिगर आउट करना होगा <coughs> मैं वापस आके खाना बना के पापा के पैर पे तेल लगा के सोने जाती थी ऐसा नहीं है कि वीडियो बना लिया और रात भर पार्टी कर रहे हैं hmm. पार्टी होती थी मैं नहीं जाती थी uh, जिस एज ग्रुप में मैं कड़वा सच बोलना चाहूँगी आई एम थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड द कॉम्पिटिशन दैट आई हैव इज एटीन सिक्सटीन फिफ्टीन ट्रू हाउ डू आई मैनेज टू कम्पीट विद दैम आई कांट फ्लॉन्ट माई ड्रेस एंड लुक ब्यूटिफुल क्योंकि मैंने वो एज पार कर लिया है वो इनोसेंस है ही नहीं मेरे फेस पे True. तो मुझे तो अपना टैलेंट कंटेंट गेम से आगे लेके जाना है कमिंग बैक कल्चर कभी आप हमारे घर आके रह के देखो मजा आ जाएगा बिकॉज हैज एक्सेप्टेड एवरीबडी मैंने उनका ओल्ड स्कूल एक्सेप्ट किया तो उन्होंने मेरे नए थॉट्स एक्सेप्ट किए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंड ऐसे ही हम आगे बढ़े मतलब मैं कहूंगा कि आपने अपनी सासू माँ की जो मतलब जब वो बहू थी उनके भी अरमान जगा दिए और वो पूरे हो रहे हैं। Absolutely, वो बोलती है ये बात। अगर वो अभी यहाँ होती हाँ। तो वो बोलती मुझे तो कैमरा के सामने आना था एक बार सीरियल में आना था। <laughs> <laughs> She would have said that. <laughs> crazy.